जिस व्यक्ति ने भी सिलाई मशीन का आविष्कार किया वह वास्तव में एक जीनियस इंसान था। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिलाई मशीन कपड़े के दो टुकड़ों को एक साथ मजबूती से कैसे सिल देती है? आज आइए हम उन सामान्य लगने वाले टांके और धागों के पीछे के जीनियस डिजाइन को उजागर करें। जब भी आप कपड़ा सिलते हैं, सुई को एक तरफ से कपड़े के बीच से डालते फिर दूसरी तरफ से बाहर निकालते हैं, लेकिन किसी मशीन के लिए ऐसा करना लगभग असंभव है। इसलिए यदि आप सिलाई मशीन का आविष्कार करना चाहते हैं, पहला कदम सिलाई का एक बिल्कुल नया तरीका सामने लाना पड़ेगा। कपड़े में सुई डालते समय यह सबसे पहले कपड़े के नीचे प्रवेश करेगा, लेकिन जब आप इसे बाहर निकालते हैं तो धागा भी खींच लिया जाएगा, क्योंकि सुई सिर्फ एक ही तरफ नुकीली होती है। इसलिए हमें कोई रास्ता ढूंढने की जरूरत है। जब हम धागा सिलाई के लिए नीचे से ऊपर निकालते हैं तो धागा उलझने की वजह से बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए जीनियस इन्वेंटर एक समाधान लेकर आए। सुई कपड़े से होकर गुजरती है और सुई के धागे को सुई के छेद से नीचे ले जाती है, फिर सुई ऊपर की ओर बढ़ जाती है। मूल धागे के फंदे को झुकने के लिए मजबूर किया जाता है। इस समय किनारे पर लगा हुक तेजी से अंडाकार फंदे को पकड़ लेता है और इसे नीचे की ओर खींचता है। जब सुई वापस आती है तो हुक वास्तव में पीछे चला जाता है। इस बिंदु पर सुई पहले की तरह फिर से नीचे आ जाती है और हुक फिर से पूरी तरह से ऊपर आने लगता है। जब सुई फिर से ऊपर जाती है तो सिलाई छेद और कपड़े के बीच की दूरी फिर से कम हो जाती है। लंबे फंदे को फिर से एक अंडा